शिक्षार्थियों नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय पर वार्ता करने के लिए, जिस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह विषय है अच्छे लेखन की विशेषताएँ। और इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी, जो मिजोरम विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, NIOS के स्टूडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आभार और नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, अच्छे लेखन की विशेषताएं, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक व्यक्तित्व का गुण भी है, एक कौशल भी है, एक प्रक्रिया भी है और टीचिंग प्रोफेशन की आवश्यकता भी है। डॉक्टर साहब, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग ठीक तरीके से यह बात जानते हैं कि लेखन एक कौशल के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण कौशल है और भाषा सीखने समझने के जो चार कौशल हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन चारों कौशलों में लेखन कौशल जो है वो कहाँ जाके ठहरता है, इसको जरा संक्षेप में बताएं और साथ में यह भी बताएं कि लेखन कौशल से तात्पर्य क्या है। जी धन्यवाद मिश्रा जी, अच्छा प्रश्न है आपका। मैं बताना चाहूँगा कि लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो चार भाषा कौशल उसमें से एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से, एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। साथ ही साथ यह विचार स्पष्टीकरण की प्रविधि भी है, एक टेक्निक है जिससे कि हम और अपनी बातों में, अपने विचारों में और सटीक हो जाते हैं, एग्जैक्टनेस आ जाती है। तो एक प्रविधि के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो हम अधिक अच्छे और स्पष्ट तरीके से चिंतन क्षमता का विकास करते हैं। और कौशल, जैसा कि आप कौशल शब्द से सभी लोग परिचित हैं कि कौशल जो भी है वो अभ्यास का विषय है। किसी भी कौशल को हम अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं, तो इसको सीखा जा सकता है। ये चार भाषा कौशलों में इसे जटिल प्रक्रिया और उच्चतर स्तर की क्षमता कहा जा सकता है। कारण है कि जो सुनना है, जैसे चार भाषा कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेखन एक उच्चतर स्तर की प्रक्रिया है जो सबसे बाद में आती है। इसमें हमारे मोटर स्किल्स हैं, इसमें हमारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं और भाषा का ज्ञान है, बहुत चीज़ें शामिल होती हैं। एक जटिल क्षमता का विकास होता है, कह सकते हैं कि एक मिक्स नेचर है इसका। तो लेखन, इसमें एक चीज़ जरा सा स्पष्ट करें कि लेखन क्या, इसका मतलब यह समझा जाए कि सबसे उच्च स्तर के कौशलों में, भाषा कौशलों में सबसे उच्च स्थान रखता है और सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव इफिशियंसी की डिमांड करता जी है। अगर लेखन में हम निपुण हैं तो ये मैं मानता हूँ कि सुनने, बोलने और पढ़ने में निपुण हैं। लेखन की पहली शर्त है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, इसके पे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। हाँ, हाँ जी। तो एक चीज़ हमें बताइए कि लेखन के प्रकार किस प्रकार से हैं और प्रकार कौन कौन से हैं, इनको जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। लेखन के उद्देश्य के हिसाब से और उसकी शैली के हिसाब से मुख्य चार प्रकार बताए जाते हैं। एक है वर्णनात्मक लेख, जिसे एक्सपोजिटरी राइटिंग आंग्ल भाषा में कहते हैं। इसमें तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है और चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है कि और अधिक जानने की कोशिश की जाती है। डेटा एनालिसिस का काम होता है और किसी चीज़ को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करने की प्रक्रिया में जो लेख आते हैं सामने, उनको हम वर्णनात्मक लेख कह सकते हैं। दूसरे तरीके के जो लेख हैं वो विवरणात्मक लेख हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। किसी चीज़ को हम यथास्थिति जो बताना चाहते हैं, स्टेटस क्या है किसी उसका, हम इस तरह से एनालिसिस नहीं करते कि नई नई चीज़ें उद्घाटित हों जो एक्सप्लोरेटरी में करते हैं। यहाँ हम विवरणात्मक लेखन में जो स्थिति है उसका प्रस्तुतीकरण करते हैं। अब न्यायिक लेखन है, जिसे अंग्रेजी में पर्सुएसिव राइटिंग कहते हैं। इसकी हिंदी पर्सुएसिव की तो प्रेरक हो जाएगी, लेकिन न्यायिक लेखन यहाँ न्याय से नहीं समझना है। न्यायिक लेखन का मतलब है जो तर्क पर आधारित लेख है। जैसे हम आपको अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, हम आपसे आर्गूमेंट करना चाहते हैं, तो ये न्यायिक व्यवस्था में आर्गूमेंट होते हैं, दलीलें होती हैं उस हिसाब से। और हमारे यहाँ जो तर्क का शास्त्र है उसे न्याय दर्शन कहते हैं, तो इसे न्यायिक लेखन कहना उचित होगा। तो इस तरह के जो लेख होते हैं न्यायिक लेख कहते हैं। और जो चौथे तरह के लेख हैं, जहाँ हम बहुत सारे चरित्रों को इकट्ठा करके और रूपक बताते हुए एक लंबी कथा
कहते हैं, नरेटिव राइटिंग कहते हैं, उन्हें कथा लेखन कह सकते हैं। तो इस चार मुख्य चार प्रकार के लेख हमारे सामने आते हैं। अच्छा, चार प्रकार के लेख जो हैं। डॉक्टर साहब, यह बात तो समझ में आई कि लेखन क्या है जी। और उसके बाद आपने यह भी बताया कि लेखन का विभिन्न भाषा कौशलों में स्थान कहाँ है। इसके साथ साथ जब आपने यह स्पष्ट किया कि लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को, हमारे डीएलएड के शिक्षार्थियों को यह बात बताएं कि एक अच्छे लेखन में कौन कौन से विशेषताएं होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे गुण रेखांकित किए जा सकते हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह एक अच्छा लेखन है। इसके बारे में जरा सा बताएं जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं इसी पे, यही मुख्य चर्चा का केंद्र है। कोई भी साक्षर व्यक्ति लेखन कार्य कर सकता है, एक आसान प्रक्रिया है इस प्रकार से। लेकिन कोई भी व्यक्ति अच्छा लेखन कर सकता है, यह आसान नहीं। इसको सतत अभ्यास से सीखा जा सकता है और बच्चों को सिखाया भी जा सकता है। एक शिक्षक को एक अच्छा लेखक होना चाहिए, यह हमारे व्यवसाय की आवश्यकता है। अंग्रेजी साहित्य में निबंध विधा के जनक फ्रांसिस बेकन महोदय ने कहा है, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम सटीक होना चाहते हैं अपनी थिंकिंग में, अपनी बातों में, अपने एक्सप्रेशन में, तो हमें लेखन कार्य करना चाहिए। जब हम कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी कभी हम स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, चीज़ें हमारे दिमाग में स्पष्ट होती हैं लेकिन हमारे शब्दों में स्पष्ट नहीं होती हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को लिखें, शायद इसीलिए हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनमें हम पाठ योजना का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि पाठ योजना बनाई जाए। पहले तो हम लिखवाते हैं और उसके बाद लिखते लिखते जब हमें आदत पड़ जाती है उस तरह से लिखने की, तो हम मानसिक रूप से या अमूर्त रूप से भी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वो अच्छा लेखक हो। यदि शिक्षक लेखन में रुचि रखें तो हमारा शिक्षा साहित्य और अधिक मौलिक रूप से समृद्ध हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि हम जो शिक्षा साहित्य पढ़ते हैं शिक्षा शास्त्र में, या हमारी जो शिक्षण प्रशिक्षण का जो शास्त्र है, पैडागोजी है, जो एजुकेशन है, इनमें जो हमारी अच्छी किताबें हैं, तो बहुत ही अनुभव के आधार पर और एक कथा लेखन की प्रक्रिया के तहत जो मिलती है, हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। और ऐसे लेख मुझे विदेशी लेखकों द्वारा अधिक मिलते हैं, आंग्ल भाषा में मिलते हैं। कारण उसका एक मैंने जो पाया है कि जो विदेशों के शिक्षक हैं, अमेरिका में हैं, जो ब्रिटेन में शिक्षक हैं, वो जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो उसको नोट करते रहते हैं। और वहाँ पर एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस भी, हमारे यहाँ भी शब्द प्रयोग किया जाता है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य कंप्लीट करते हैं, वो हम अपना उसका डिटेल मेंटेन करते रहते हैं। और बच्चों का भी, जो बच्चों के साथ हम केस स्टडीज़ करते हैं, उनका भी डिटेल मेंटेन करते हैं। इन सब अनुभव के आधार पर जब एनालिसिस करके जो रिजल्ट पे पहुँचते हैं, वो एक कह सकते हैं कि उसे एक शोध कहा जा सकता है, एक अनुसंधान कहा जा सकता है, अनुभव के आधार पर नया ज्ञान कहा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षक कार्य क्षेत्र में जो जी रहे हैं और उन पे हम लोग शोध करने के लिए कुछ समय के लिए वहाँ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षक उस पे अगर लिखें तो ये मौलिक शोध होंगे और अधिक अच्छे होंगे और हमारा साहित्य अधिक समृद्ध होगा। समृद्ध जी। अब हमारे जो आज की चर्चा है, उसके चर्चा केंद्र बिंदु में अच्छे लेखन की विशेषताएं, उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक भाषा संबंधित विशेषताएं और दूसरी विषय वस्तु संबंधित विशेषताएं। भाषा संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अगर अच्छा लेख है तो उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हमने हिंदी का शब्द लिया, एक अंग्रेजी का शब्द लिया, जिसे आजकल इंग्लिश भी कहते हैं, एक प्रथा बन गई है। और इतना ही नहीं, हम अगर भोजपुरी, कन्नौजी और कई शब्दों को मिला के खिचड़ी बना देते हैं तो हमारे पाठक को असुविधा हो गई, अगर एक भाषा भाषी पाठक है। तो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी एक विषय की भाषा को हम चुन सकते हैं और उस पर एक भाषा का प्रयोग करें। दूसरी बात, जो बात आप कहना चाहते हैं
उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, आप अमूर्त चीज़ों को अगर कहना चाहते हैं तो उदाहरण देके समझाएं। अगर जो बात है आपके दिमाग में उसको स्पष्ट रूप से सरल तरीके से आप सामने रखिए, तो इससे स्पष्टता सरलता से आती है, इससे स्पष्टता और सरलता दोनों हमारे जो तत्व हैं एक साथ आते हैं। तो आप सरल तरीके से कहिए, जटिलताओं का जटिलताओं को रोकने की कोशिश करिए उसमें। दूसरी बात है रचनात्मकता। डॉक्टर साहब, एक उदाहरण इसमें समझ में आता है कि हम लोग बचपन में थे तो वो पढ़ा करते थे कि द ईस्टर्न मोनार्क ऑफ द डे इज पैरम्बुलेटिंग इन द वेस्टर्न होराइजन ऑफ द कोस्ट। जी, तो इसका मतलब ये होता है कि द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। एकदम बड़ी आसान भाषा में कहा गया कि द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, और उसी को जब फिगरेटिव लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया तो कहा गया कि द ईस्टर्न मोनार्क ऑफ द डे इज पैरम्बुलेटिंग इन द वेस्टर्न होराइजन ऑफ द कोस्ट। तो बात एक ही कही जा रही है लेकिन उसको तरह से फिगरेटिव लैंग्वेज दे दिया जा रहा है। और सिंपल, तो इन दोनों में किसको बेहतर समझा जाए बच्चों के संदर्भ में? मैं मानता हूँ कि बच्चों के संदर्भ में और बड़ों के संदर्भ में भी, अगर आप शैक्षिक लेखन कर रहे हैं तो आप सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग करिए, ना कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करिए। तो मैं, जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो हमें शिक्षकों के लेखन से आशा है कि वो स्पष्ट सरल और व्यवहारिक भाषा, या कह सकते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, ना कि अलंकारिक भाषा का। दूसरा कि शब्द चयन, आपके शब्दों का बड़ा शास्त्र है जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, सीमेंटिस करते हैं, शब्द रचना और शब्द अर्थ निष्पत्ति। तो शब्दों का चयन, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो आप वाक्य के साथ में ऐसे शब्दों का चुनाव करिए जिसमें पढ़ने वाले को कोई दुविधा या उसके दो अर्थ ना निकले। क्योंकि आप कविता साहित्य नहीं लिख रहे हैं, आप शैक्षिक लेखन कर रहे हैं, ये अंतर समझना चाहिए। जी, दूसरा बात, वाक्य विन्यास आपका उपयुक्त होना चाहिए, आपकी वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, इसका जो स्पेसिफिक ऑर्डर है उसका, जो वाक्य विन्यास है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो पता होना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात। और दूसरा, भाषा का जो विशेषता है अच्छे लेखन की, वो है कि अर्थपूर्णता। आपका जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसमें अर्थ को स्पष्ट करें, ऐसा नहीं कि जो पाठक है उसको डिक्शनरी खोलनी पड़े और रेफरेंसेस देखने पड़े। किसी भी आप घटना का अगर वहाँ संदर्भ देते हैं तो उसकी व्याख्या करें अथवा उसको वहाँ ना लाएं। तो भाषा आपकी स्पष्ट, शुद्ध, सरल और वाक्य विन्यास आपका सटीक होना चाहिए, एक अच्छे लेखन में यह आवश्यक है, भाषागत विशेषताओं। जी जी, अब दूसरी जो विशेषताएं हैं वो विषय वस्तु से संबंधित विशेषताएं। पहली बात जो मैं कहूँगा कि ये आपका जो लेखन है वो फोकस्ड होना चाहिए, कि आपके जो विषय का केंद्र बिंदु है उससे आप इतर ना भागें। वैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण नहीं कहेंगे कि हमें, अगर आप दूध पीने के गुणों पर चर्चा करनी है तो हम कहेंगे कि दूध पीना चाहिए, अच्छा होता है और सफ़ेद होता है और सफ़ेद अंडा भी होता है, अंडा भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो अंडे की बात कर रहे हैं कि आप दूध की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, एक पिन पॉइंटेड बात आपको रखनी चाहिए, केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका जो भी आप लिख रहे हैं, जो विचारों को ला रहे हैं, उनमें क्रमबद्धता आनी चाहिए, सीक्वेंस में। हाँ, आपका विषय क्रमबद्ध तरीके से रखा जाना चाहिए, एक बात के बाद दूसरी बात आनी चाहिए, अगर वो बात उसी बात के बाद नहीं आनी चाहिए तो उसको आप अवॉइड करें। मतलब कि विचारों में क्रमबद्धता, वो विषय वस्तु में क्रमबद्धता लाएंगे। एकात्मकता, कि एक यूनिटी की जो बात करते हैं, कि एक सेंटर्ड होना चाहिए, कि दो तीन विषयों को एक साथ मर्ज ना करें आप, उसकी जो कंटेंट की यूनिटी है उसको आप ध्यान में रखें, तो विषय लेख अच्छा होगा और विषय से संबंधित होगा और उसमें भटकाव नहीं आएगा। अगली बात है तथ्यों की विश्वसनीयता। जैसे विशेष रूप से शैक्षिक लेख जो होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं, तो लिखने से पहले हमको तथ्यों
की विश्वसनीयता जान लेनी चाहिए कि जैसे ऐतिहासिक लेख होते हैं वो बता दिया कि यहाँ पर एक कोई टीला मिला तो बता दिया कि वो फला राजा का था, इसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है इसे हमें जांच लेना चाहिए। और जब भी हम लेख लिखें तो वही तत्व वहाँ पर प्रस्तुत करें जो हमने समझे हैं, जिनकी सत्यता हमने परख ली है। दूसरी बात है कि संपूर्णता, जो भी लिखें कंप्लीट लिखें कि जब एक बात को अधूरा ना छोड़ें, ये एक संपूर्णता की आवश्यकता है। नहीं तो आप जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश जिस विचार के साथ आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो विचार स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप एक कम्प्लीटनेस भी लाने की कोशिश करें, जो शुरुआत की है उसको अंत भी एक दें। डॉक्टर साहब आप यह कहना चाह रहे हैं क्या कि यदि किसी ने कोई बात शुरू की जी, कोई एक कंटेंशन शुरू किया, किसी एक मुद्दे पर लिखना शुरू जी, किया, तो उस मुद्दे को जब तक वह पूरा वर्णित ना कर ले तब तक दूसरे मुद्दे पे ना चला जाए, दूसरे मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए, चला जाए कि पहला भी अधूरा रहा और दूसरे पैरा से दूसरा मुद्दा शुरू हो गया। और एक जैसे कि कौशल है, ट्रेनिंग का विषय है, तो जब हमारे शिक्षक सिखाते हैं उसमें पैराग्राफ कब बदलना चाहिए, किस मतलब कि पैराग्राफ में कितना लिखना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक अनुभव से भी हम सीखते हैं। और अगर हम शिक्षक हैं तो बच्चों को इस बात का हम चर्चा के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से अधिक से अधिक लिखाने के माध्यम से वो हम बाद में कैसे सिखाएं बच्चों को उससे भी आएंगे। अब तो डॉक्टर साहब इस तरीके से हमने देखा कि अच्छे लेखन की क्या विशेषताएँ हैं, आपने बड़े विस्तार से दो हिस्सों में बांट कर और बड़े व्यवस्थित तरीके से हमारे विद्यार्थियों को बताया। डॉक्टर साहब जब आपने अपने भाषण की शुरुआत की थी, परिचर्चा की शुरुआत में कहा कि यह एक प्रक्रिया भी है जी, तो लिखना यदि एक प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ स्टेप्स होंगे जी, जी। तो अब हम यह जानना चाहते हैं कि यदि लिखना एक प्रक्रिया है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके हम एक बेहतर लेखक या एक बेहतर लेखन प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर जरा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा साहित्य की बहुत सारी पुस्तकों में और विशेष रूप से शैक्षिक तकनीक की पुस्तकों में प्रक्रिया के संबंध में तीन बातें आती हैं, इसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कहते हैं। तो इस ये जो तीन शब्द हैं अदा, प्रक्रिया और प्रदा, कि अगर इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा, प्रोसेस भी नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस किस पे प्रोसेस करेंगे, तो सर्वप्रथम तो हमें गहन पठन करना, अच्छा इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, अधिक साहित्य पढ़ना है और जो साहित्य हमें सुटेबल लगे, जो हमें उचित साहित्य लगे अपने विषय पे, उसमें फिर गहराई से पढ़ना है। और जब पढ़ेंगे आप तभी चिंतन कर पाएंगे। हमारी प्राचीन पद्धति भी है, हम पढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में श्रवण मनन निधिध्यासन, तो जब सुनना है और मनन करना है और तब उसको जीवन में लाना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि लिखने के लिए पढ़ना है, फिर मनन करना है और फिर लिखना है। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे पोएट हुए हैं विक्टोरियन एज, मैथ्यू आर्नल्ड जी, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने जो क्रिटिसिज्म की थियोरी दी वो टचस्टोन थियोरी जी जी जी, तो उसमें भी वो यह बात कहते हैं कि आप जिन लेखकों को एडमायर करते हैं जी, आप जिन क्लासिकल राइटर्स को पसंद करते हैं उनसे आप नए लेखकों की तुलना करिए और उसके बाद बताइए कि नए लेखक कहाँ स्टैंड करते हैं जी। तो मैथ्यू आर्नल्ड भी इस बात की वकालत करते थे कि अच्छा जो लिखा गया है उसको आप पढ़िए ठीक तरीके से। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो रुचि, जिसमें आप उनका जो कहना कि जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, जो आपके मॉडल हैं उनको पढ़िए, तो यहाँ आपकी रुचि का विषय है। आप अगर आपकी रुचि नहीं तो आप उस विषय को नहीं पढ़ सकते। अगर आप किसी को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप प्रशंसा क्यों करते हैं, उसमें आप वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए उन लोगों को भी आप पढ़ें जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। हाँ, दोनों में अंतर करने के लिए आपको दोनों को जानना जरूरी है। तो ये बात मैथ्यू आर्नल्ड जी की बहुत ही सही मुझे लगती है और जो आपने अच्छे से यहाँ प्रस्तुत की, धन्यवाद। दूसरी बात जो है कि पाठक को ध्यान में रख के पढ़ना, कि जब आप कोई लेख लिख रहे हैं तो आपको पढ़ने वाला कौन है, आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं कि प्रौढ़ के लिए लिख रहे हैं कि किसी विशेष समूह वर्ग के लिए लिख रहे हैं, कि महिलाओं के लिए लिख रहे हैं या किसी जो कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, किसी वो विशेष समूह कई तरीके हो सकते हैं समाज में,
तो बच्चे के लिए जो लेख लिखना है उसमें आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, जो कॉमिक्स होता है देखिए उसका इंटरेक्टिव मोड कथा विधि से लिखना पड़ेगा, जो कथा विधि का जो प्रकार है उस तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे कॉमिक्स लिखी जाती हैं। प्राणों के लिए लिखना है तो उनमें जीवन से संबंधित चीज़ें डालनी पड़ेंगी, जीवन के अनुभव डालने पड़ेंगे, नहीं तो उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी उनकी। तो आपको पाठक को ध्यान में रखना, एक अच्छे लेखक की विशेषता है कि वो पाठक के अंदर चलने वाले प्रश्नों को पहले से भांप लेता है और वो उसी का जवाब देता रहता है और उसमें एक तारतम्यता बनी रहती है, जो मैंने कहा कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए अच्छे लेखन में। डॉक्टर साहब, इसमें यह जानना चाहूँगा मैं कि कई बार क्या होता है कि शब्द चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने पिछली बार शब्द भाषागत विशेषता बता रहे थे, उसमें आपने बताया, तो क्या शब्द चयन और वाक्य विन्यास चयन भी बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए अलग अलग होना चाहिए? जी, बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो उसमें सरल वाक्यों का प्रयोग करना है। अच्छा, सरल या सरल शब्दों का प्रयोग करना है, इन्हें सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जो बड़ों के लिए लिखना है तो उसमें थोड़ा अगर हम कठिन जो जटिल वाक्य हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो उनकी रुचि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भाषा एक कला भी है। और जो जो कवि और जो अच्छे लेखक हैं, निबंधकार हैं, इनका प्रयोग करते हैं, कला का प्रदर्शन नहीं होगा तो बड़ों की रुचि नहीं आएगी। तो बड़ों के लिए थोड़ा आप कला दिखा सकते हैं। तो दूसरी बात है कि भाषा, फिर जो तीसरा क्रम आता है कि आप विषय चयन किए, उस पर पढ़े और उसके बाद आपने पाठकों को ध्यान में रखते हुए उस विषय पर लिखने का विचार किया है, तो आप किस भाषा में लिखेंगे और आपकी शैली क्या होगी। जो आपने प्रश्न किया कि भाषा, तो आपकी साधारण भाषा भी हो सकती है जैसे सिंपल सेंटेंस, या कठिन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि आप वर्णन भी कर सकते हैं, विवरण भी दे सकते हैं, आप कथा शैली में भी प्रयोग कर सकते हैं, और भी शैलियाँ हैं भाषा। एक ये बड़ा विषय है शैली को बोल, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं लिटरेचर में। तो मैं कहूँगा कि एक आप उचित शैली का प्रयोग करिए, इसमें आपको महारत हासिल है। या आप महारत हासिल नहीं है तो उस शैली जिसको आप पसंद करते हैं उसमें लिखना प्रारंभ करिए और धीमे धीमे महारत तो आ ही जाएगी, क्योंकि कौशल है, अभ्यास से आता है। सब दूसरी बात, शब्द सीमा तय करना कि आप जो लिख रहे हैं कितने शब्दों में लिखेंगे, मतलब कि कितना बड़ा लेख होगा, ये आपको पहले सोच लेना चाहिए इस पे, नहीं तो भटकाव आ जाएगा। हाँ, कई बार हम लोगों को संपादकीय वगैरह लिखने के लिए दिया जाता है, तो उसमें अखबार वाला भी ये बता देता है कि डॉक्टर साहब 2000 शब्दों में ही लिखना है, यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपको लिखना है तो आपको 2000 शब्दों में ही लिख के मटेरियल देना है। तो ये भी एक हुनर का मसला है, आपको सीमा तय करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को सीमित रखना पड़ेगा। अब ये तो तैयारी की बातें थी, अब दूसरी जो बातें हैं, अब आप लिखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपकी कलम तैयार हो गई है, तो आप कलम जब तैयार है तो आप एक विषय वस्तु का ढांचा बना लीजिए कि प्रस्तावना होगी, फिर ये बिंदु आएंगे, फिर ये बिंदु आएंगे, और उसके बाद फिर आप एक निष्कर्ष देंगे। इसका मतलब फ्रेमवर्क डिजाइन, यहाँ जो फ्रेमवर्क है, जो एक ढांचा, एक सांचा है, आउटलाइन, हाँ, वो आपको बनाना है। उसके बाद उस सांचे में आप अपने विचारों को रखते जाइए। अच्छा अच्छा, एक प्रक्रिया है, कला है, और उस लेखन के निष्पादन को आप शुरू कर सकते हैं, निष्पादन कर सकते हैं उसको। अब इसको लिखने के बाद अक्सर होता है कि हम जो लिख देते हैं अपने आप में खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने लिख दिया, लिख दिया, उसके बाद कभी हम नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ये सतत प्रक्रिया है, मैं कहना चाहूँगा, और इसमें आप जो चीज़ लिखते हैं कम से कम 2-3 बार तो स्वयं पढ़ें, और उसके बाद किसी मित्र से, विषय विशेषज्ञ से उसकी प्रूफ रीडिंग करवाएं। तो जांच और संशोधन एक अनिवार्य तत्व है किसी भी लेखन का, और जांच और संशोधन के बाद तब आप उसको प्रारूप को अंतिम रूप दे सकते हैं, इसे फाइनल टच कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन चार तत्वों के आधार पर एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है, जो आप चित्र में देख भी रहे हैं कि पहले तैयारी है, फिर लेखन है, फिर जांच है, फिर संशोधन। संशोधन के बाद अगर हमें लगता है कि कुछ कमियां हैं तो फिर हम उसकी तैयारी करते हैं, फिर लेखन करते हैं। एक चक्रीय प्रक्रिया की तरह यह हमेशा चलती रहती है। तो ये हो गए लेखन के प्रक्रिया के पद, या कौन कौन से हम काम करने होते हैं, इनकी जानकारी हमारे शिक्षार्थियों तक पहुँची। हाँ जी डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से आपने इसे बताया भी, और बड़े रोचक तरीके से आपने उदाहरणों के माध्यम से हमारे शिक्षार्थियों के सामने रखा। अब हम यह जानना चाहते हैं कि ये तो हो गया अच्छे लेखन के पद,
कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, अच्छे लेखक की विशेषताएं क्या है जी, अच्छे कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यह लेखन अच्छा लेखन है, इसे अब संक्षेप में जरा सा मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे लेखन की विशेषताओं के साथ अच्छे लेखक की विशेषताएं जो अंतर संबंधित हैं, जो अच्छे लेखन को देख के हम अच्छे लेखक की विशेषताएं बता सकते हैं, तो जो बातें हमने की हैं उन बातों के साथ ही हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि अच्छा लेखक वो होता है जो अच्छा पाठक होता है। अच्छा पाठक होना एक प्रथम विशेषता है। लेखन से प्रेम होना एक विशेषता है अच्छे लेखक की। अब लेखन में रुचि नहीं है तो आप बिना रुचि से कोई काम नहीं हो सकता है, और कहा जाता है कि वही काम करिए जो आपको पसंद हो। तो तीसरी विशेषता है कि शब्दों से प्रेम। शब्द प्रेम एक कहते हैं ना कि शब्द जाल, और ये एक कला है। अच्छे शब्दों को सही समय प्रयोग करना एक कला है। शब्दों से अधिक प्रेम होना चाहिए, उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए, नए नए शब्दों को। जो अच्छे लेखक होते हैं नए शब्द बना भी लेते हैं। वो कॉलरिज का एक डेफिनेशन भी पोएट्री की है कि बेस्ट वर्ड्स आर पुट इन बेस्ट ऑर्डर। जी अच्छा माना जाता है। अच्छे शब्दों का प्रेम होना बहुत जरूरी है। व्याकरण का ज्ञान, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी भाषा को, भाषा में व्याकरण अनिवार्य तत्व है। अगर आप लेखन कर रहे हैं तो व्याकरण से आधारित प्रक्रिया है, तो व्याकरण ज्ञान अनिवार्य तत्व है। दूसरी बात है कल्पनाशीलता, आप सारी चिंतन जिसे कहेंगे कि आप एक बिंदु पे कई तरीके से सोचें, ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, तो कल्पनाशीलता की भी आवश्यकता है एक लेखक में। व्यावसायिक गंभीरता, लेखक जैसे कहते हैं प्रोफेशनल राइटर, तो हर शिक्षक को मैं राइटर मानता हूँ लिखे या न लिखे, तो एक अपने व्यवसाय संबंधित जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें गंभीरता की आवश्यकता है, आप गंभीर होकर लिखें। धैर्यशीलता, धैर्य के मतलब यहाँ पर ये है कि आपके अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो जो विचार आया उसी को नहीं लिख लेना है, उसी को नहीं कह देना कि यही सही है, उस पर कई तरीके सोचना है। जो मैंने कल्पनाशीलता में भी कहा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, और कई विचारों पे उसको आप एनालिसिस करिए, उन पे जजमेंट करिए, आप जज अपने आप को कटघरे में खड़ा करके जज बनिए, फिर धैर्य से निर्णय लीजिए कि आपको क्या सही लगा, वो चीज़ लिखिए। तो एक बात है कि एकाग्रता, एकाग्रता के बिना आप अच्छा लेखन नहीं कर सकते। मैं संक्षेप में डॉक्टर साहब बताना चाहूँगा कि बच्चों को आप कैसे अच्छा लेखक बना सकते हैं। मैं चाहूँगा एक मिनट में आपसे इस पर चर्चा की जाए कि बच्चों को आप पठन की आदत का विकास करें, जो आपके मेथड्स ऑफ रीडिंग हैं, टीचिंग ऑफ रीडिंग, उनको अप्लाई कर सकते हैं आप जो आपके लेक्चर्स हैं उनमें आप देखा होगा कि टीचिंग ऑफ रीडिंग पे लेखन का अभ्यास करवाएं। जैसे श्रुत लेखन है, जैसे डिक्टेशन बोलते हैं, निर्देशित लेखन है और स्वतंत्र लेखन है, तीनों तरीके से बच्चों को आप अभ्यास करवा सकते हैं। बच्चों को लेखों को नियमित जांच करना और प्रतिपुष्ट प्रदान करना। इसमें देखा गया अक्सर हमारे शिक्षक थोड़ा आलस कर जाते हैं, उसको चेक नहीं करते हैं, फिर चेक कर लिए तो बच्चों को बताते नहीं कि कहाँ पर गलतियाँ की हैं, उनमें सुधार नहीं करवाते हैं। फिर नियमित लेखन संबंधित कार्य देना, और एक बात है कि बच्चों की क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। किसी विषय पे बच्चों को नहीं लिखवा सकते हम, एक कक्षा 5 के बच्चे पे संविधान पे नहीं लिखवा सकते हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार विषय का चयन करके हमें लिखवाना चाहिए। लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, सभी विषयों में लेखन का प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की त्रुटियों को सही करते समय उन्हें हताशा से बचाकर रखें, ये महत्वपूर्ण मैं निवेदन करूंगा शिक्षकों से। लेखन में अपने अनुभवों को बच्चों के साथ बांटें, खुद जो आप लिख रहे हैं उन कैसे कठिन कार्य है, और उसको आप बताइए कि हमने कितनी बार उसको सुधारा है, तो बच्चे से हताश नहीं होंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमारे गुरुजी भी गलती करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सतत रूप से लेखन कार्य करते रहें, लेखन करें और लेखन पर चर्चा करें। बस मैं ये कहना चाहूँगा, वर्जीनिया डी वोल्ट का एक 10 उन्होंने सुझाव दिए हैं कि राइट 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 ऑफन, राइट अबाउट एनी थिंग, राइट अबाउट एवरीथिंग, राइट अबाउट व्हाट यू सी, राइट अबाउट व्हाट यू लर्न, राइट अबाउट व्हाट यू थिंक, राइट अबाउट व्हाट यू रीड, राइट। लिखना है और लिखने से आलस नहीं करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, आपने बड़े आसान और सहज शब्दों में लेखन से क्या तात्पर्य है और विभिन्न कौशलों में लेखन का स्थान क्या है, इससे शुरुआत करते हुए इसके प्रकारों को, इसकी विशेषताओं को, अच्छे लेखक की विशेषताओं को, और अंत में बच्चों को अच्छा लिखना कैसे सिखाया जाए
उनको अच्छा लिखने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इस पे आपने प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।